अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 परफॉर्म करेंगे। और केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में हम जो हमें मिक्सचर दिया होगा उसके कंपोनेंट को हम इलादा करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, उसके ज़रिए। सो आज हमें जो मिक्सचर दिया जाएगा उसमें अल्कोहल और वाटर मौजूद होंगे, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होगा। सो हम उस मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर दोनों को सेपरेट करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए। डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो एक फिज़िकल मेथड है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं कंपोनेंट की ऑन बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम जो है वो कंपोनेंट की सेपरेशन करते हैं। सो आज के जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए जो हमें अपरेटस चाहिए उसमें थर्मोमीटर, वाटर कंडेंसर, इसके अलावा ट्राइपॉड स्टैंड, रिसीविंग फ्लास्क, वायर गॉज, आयरन स्टैंड, स्पिरिट लैम्प, राउंड बॉटम डिस्टिलेशन फ्लास्क। हमें केमिकल्स जो रिक्वायर हैं आज के एक्सपेरिमेंट के लिए, हमने मिक्सचर जो जिन केमिकल्स का बनाना है और फिर हमने उस मिक्सचर में से वही केमिकल्स को सेपरेट करना है, ठीक है। सो वो हमारे पास वाटर और अल्कोहल है। एक बार फिर ऑपरेटर्स देख लेते हैं। हमें अल्कोहल चाहिए, वाटर चाहिए, बीकर चाहिए, दो राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए, हमें स्पिरिट लैम्प चाहिए, पाइप चाहिए, डिलीवरी ट्यूब चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, इसके अलावा हमें कंडेंसर चाहिए। कंडेंसर की दो ओपनिंग है, एक से हम वाटर ऐड करेंगे, दूसरे से हम वाटर निकालेंगे। कंडेंसर क्या करेगा, वेपर्स को लिक्विड में चेंज करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें आयरन स्टैंड चाहिए, वायर गॉज चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए और मैच बॉक्स चाहिए। पहले हम बीकर लेंगे। बीकर में हम अल्कोहल और वाटर इक्वल अमाउंट में डालेंगे, ठीक है। अल्कोहल जो है वो सबसे पहले हम डाल रहे हैं, ठीक है। 50 सेंटीमीटर क्यूब हम अल्कोहल ले रहे हैं और 50 सेंटीमीटर क्यूब ही हम वाटर ले रहे हैं। सो आप देखें 50 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल लिया। अब इसमें हम 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वाटर ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। सो ये हमारे पास जो मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर मौजूद हैं इक्वल अमाउंट में, इसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क में जो है वो एक राउंड बॉटम फ्लास्क में हम इसे डाल रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कॉर्क है। सो कॉर्क के ज़रिए आपने इस राउंड बॉटम फ्लास्क को अच्छे से बंद कर देना है ताकि वेपर्स बाहर ना निकल पाएँ। अब आप देखें इस कॉर्क में दो होल हैं, दो सुराख हैं, ठीक है। एक सुराख में हम थर्मामीटर ऐड करेंगे और एक में हम डिलीवरी ट्यूब ऐड करेंगे। सो आप देखें कि एक जो होल है, एक सुराख जो है कॉर्क में, उसमें हमने डिलीवरी ट्यूब ऐड कर दी है। डिलीवरी ट्यूब जो है उसको आपने हीट करना है और इसको आपने खुद यहाँ से टर्न करना है, ठीक है। और दूसरा जो सुराख है उसमें हमने थर्मामीटर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब डिलीवरी ट्यूब का जो दूसरा एंड है उसमें हमने कॉर्क ऐड किए। पहला जो एंड है वो हमने राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला है, ठीक है। और दूसरा एंड जो है उसके साथ हमने कॉर्क जो है वो हमने लगाया है और दूसरे एंड के साथ जो है वो अब हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसर अटैच कर रहे हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि ये कंडेंसर जो है वो हम उसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और कंडेंसर का एक हिस्सा हमने डिलीवरी ट्यूब और दूसरा हिस्सा हमने रिसीविंग फ्लास्क, दूसरा जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको हमने रिसीविंग फ्लास्क जो है वो कंसीडर किया है, ठीक है। अब आपने जो है इसको ये जो ऑपरेटर्स है हमारे पास, इसको आपने आयरन स्टैंड के साथ जो क्लैंप लगा है उसके साथ आपने फिक्स कर देना है, ठीक है। आप देखें ये जो हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें मिक्सचर, उसके नीचे ट्राइपॉड स्टैंड और उसके ऊपर वायर गेज मौजूद है। सो अब आप देखें ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स है इसमें बेसिकली क्या होगा, जब आप हीट करेंगे तो हीट करके जो वेपर्स बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके सबसे पहले वेपर्स बनेंगे। वो वेपर्स जो हैं वो इस डिलीवरी ट्यूब में से पास करके इस कंडेंसर में आएंगे, ठीक है। कंडेंसर क्या करेगा, उनको दोबारा से वेपर्स को लिक्विड में चेंज करेगा और वो लिक्विड जो है वो रिसीविंग फ्लास्क में रिसीव हो जाएगा। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। सो अब आप देखें जो कंडेंसर है उसके एक जो मेरे पास सुराख है उसमें मैंने पाइप ऐड कर दी और दूसरे सुराख से जो है वो पानी जो है वो निकलेगा। एक सुराख जिस पे मैंने पाइप ऐड की है उसमें से मैं पानी ऐड करूँगी, पानी डालूंगी और दूसरे से पानी निकलेगा। सो अब हम हीट करना शुरू कर रहे हैं स्पिरिट लैम्प की मदद से, ठीक है। जब हम हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर्स पहले बनेंगे और वो क्या होगा, वो डिलीवरी ट्यूब में से पास करके कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर से वो रिसीविंग फ्लास्क में आएगा। तो अभी आप देखें रिसीविंग फ्लास्क बिल्कुल खाली है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है बेसिकली
अपरेटस है। सो अब आप देखें ये हम हीट कर रहे हैं, वेपर्स जो हैं वो बनेंगे, वो यहाँ पर आएंगे कंडेंसर में, और कंडेंसर से जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में चेंज होकर रिसीविंग फ्लास्क में जाएंगे। सो इस वक्त रिसीविंग फ्लास्क जो है वो बिल्कुल खाली है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है डिस्टिलेशन अपरेटस है। सो अभी आप देखें टेम्परेचर हमारे पास 41 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट है। जब टेम्परेचर जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करेगा, 78 डिग्री सेल्सियस इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। सो उस टेम्परेचर पे क्या होगा, इथाइल अल्कोहल जो है वो बॉइल करेगा। सो आप देखिए कंडेंसर के एक सुराख से पानी ऐड किया जा रहा है और दूसरे सुराख से पानी जो है वो निकल रहा है, ठीक है। वाटर जो है वो हम कोल्ड वाटर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर क्या करेंगे, वो कंडेंसर में जो वेपर्स आएंगे उन वेपर्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और उन वेपर्स की एनर्जी जब कम होगी तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। सो अब आप देखें ये हम हीट कर रहे हैं, तो अब आप देखें वेपर्स बन रहे हैं, ये वेपर्स डिलीवरी ट्यूब में से पास कर रहे हैं, ठीक है। और डिलीवरी ट्यूब जो है वो अटैच है कंडेंसर के साथ, तो ये वेपर्स कंडेंसर में आ रहे हैं, कंडेंसर में हमने कोल्ड वाटर ऐड किया हुआ है। सो क्या हो रहा है कि वो जो कंडेंसर में वेपर्स आए हैं वो कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से क्या कर रहे हैं, दोबारा से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, और वो लिक्विड हमें यहाँ पे रिसीविंग फ्लास्क में मिलना शुरू हो गया है। सो ये हमारे पास जो लिक्विड है जो हमें रिसीविंग फ्लास्क में पहले मिल रहा है, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर के मुकाबले में। सो इसीलिए हमें सबसे पहले इथाइल अल्कोहल के जो हैं वेपर्स वो मिलेंगे, ठीक है। सो अब आप देखें 80 के करीब या 80 से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर हो के, सो मैक्सिमम हमारे पास जो हैं इथाइल अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो पहले बने हैं डिलीवरी ट्यूब से, और फिर कंडेंसर से पास करने के बाद वो रिसीविंग फ्लास्क में जो है वो रिसीव हो गए हैं। सो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमने रिसीविंग फ्लास्क में इथाइल अल्कोहल को हासिल किया है, और पीछे जो हमारे पास जो सेकेंड फ्लास्क है जिसमें हमने मिक्सचर डाला था उसमें वाटर रह जाएगा। तो हमने इस फिजिकल मैथड के जरिए क्या किया है, हमने वाटर और इथाइल अल्कोहल को सेपरेट कर लिया है, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल है कि इथाइल अल्कोहल के साथ कुछ वाटर वेपर्स भी जाएं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिसीविंग फ्लास्क में मिक्सचर आएगा हो सकता है उसमें वाटर भी हो, तो हम क्या करेंगे, हम यही प्रोसेस बार बार करेंगे, रीडिस्टिलेशन करेंगे। सो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, हमने फिजिकल मैथड डिस्टिलेशन के जरिए जो हमारे पास मिक्सचर था अल्कोहल और वाटर का, उस मिक्सचर के कंपोनेंट अल्कोहल और वाटर को इलादा किया है, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए।